नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और सकुशल होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 मेरा घर कहाँ है का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ के 2 सेशन हम कर चुके हैं। पहले सेशन में हमने इस चित्र कथा की कहानी जानी थी और सेकेंड सेशन में हमने पाठ से संबंधित व्याकरण और जानवरों के घरों के बारे में भी जाना था। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं इसी क्रम में। आज के इस सेशन में, सेशन 3 में, हम पढ़ने वाले हैं पाठ में आए हुए अभ्यास कार्यों को। सभी प्रश्नोत्तरों को हम एक साथ वापस पढ़ेंगे और पाठ में आए हुए कठिन शब्द और शब्दार्थ का भी अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये अभ्यास कार्य। आइए अब पढ़ते हैं पाठ में आए हुए नए शब्द। पहला है कोटर। गिलहरी के घर को कोटर कहते हैं बच्चों। दूसरा है घोंसला। चिड़िया जो घर बनाती है उसे घोंसला कहते हैं। नंबर 3 पर है बिल। सांप, चूहा आदि बिल या छेद में रहते हैं। नंबर 4 पर है पूंछ। पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्द है कोटर। कोटर का अर्थ होता है गिलहरी का घर। गिलहरी जो जानवर है उसका घर कोटर कहलाता है बच्चों। चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान बनाएं। नीचे दिए हुए प्रश्नों में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों में से एक उत्तर सही है उस पर हमें टिक करना है। पहला है, चूहे मुहे ने घोंसले में पहुंचकर क्या कहा। पहला ऑप्शन है इसका, मैं पंखों के नीचे नहीं आ सकता, मैं भीग रहा हूँ। और दूसरा है, पूंछ समेटो चूहे मुहे। बच्चों, इसका सही जवाब है मैं पंखों के नीचे नहीं आ सकता, मैं भीग रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिलहरी ने चूहे मुहे को क्या समझाया, पूंछ समेटो चूहे मुहे या इधर 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 आओ झटपट। जी हाँ, पहला उत्तर सही है, पूंछ समेटो चूहे मुहे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, खाली स्थान भरकर कहानी पूरी करें। नीचे एक कहानी दी गई है। कहानी में कुछ स्थान रिक्त छोड़े गए हैं, खाली छोड़े गए हैं और उनके सही जवाब ऊपर ऑप्शंस में लिखे गए हैं। बच्चों, कहानी पढ़ेंगे और खाली जगह हम भरेंगे। एक नन्हा सा चूहा था, उसे एक चील पकड़कर ले जा रही थी, लेकिन वह बीच में जा गिरा एक डैश की डाल पर, पेड़ की डाल पर। चिड़िया ने बारिश से बचने के लिए उसे अपने घोंसले में जगह दी, लेकिन वह उसके बड़े पंखों की वजह से बैठ ही नहीं पाया। फिर गिलहरी ने अपने डैश में जगह दी, खाली जगह में कोटर आएगा, लेकिन अपनी लंबी और सख्त पूंछ की वजह से वह उसमें भी नहीं रह पाया। फिर वह नीचे आ गिरा, जहां उसके पीछे डैश, खाली जगह में आएगा बिल्ली। बिल्ली पड़ गई, वहां से चूहिया ने उसे बचाया और चूहा मुहा अपने बिल वापस पहुंच गया। बच्चों, ऊपर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उन्हें चुनकर सही जगह पर भरना है। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे व्याकरण सेक्शन से संबंधित है। चूहा अपने लिए घर ढूंढ रहा था, या फिर हम कह सकते हैं चूहा निवास ढूंढ रहा था। घर और निवास दोनों का अर्थ एक ही होता है। ऐसे शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द का भी अभ्यास किया था। ऐसे ही कुछ शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे बच्चों। पहला है पेड़ या वृक्ष। पेड़ और वृक्ष दोनों का एक ही अर्थ होता है, जिसे आप इंग्लिश में ट्री से जानते हैं। ट्री को ही पेड़ या वृक्ष कहते हैं। वाक्य बनेगा, पेड़ पर फल लगे हैं। इसकी जगह आप वृक्ष पर फल लगे हैं भी लिख सकते हैं बच्चों। चूहा या मूषक, चूहा से भी बना सकते हैं, मूषक से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस सिंपल बनाना है बच्चों, छोटा सा सेंटेंस बनेगा, चूहा भाग रहा है या मूषक भाग रहा है, वह भी सही है। हवा या वायु, हवा से भी बना सकते हैं, वायु से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं बच्चों। सिंपल सेंटेंस बनाना है, छोटा सा सेंटेंस बनाना है, ठंडी हवा चल रही है या ठंडी वायु चल रही है,
दोनों सेंटेंस में आप, तीनों सेंटेंस में आप कोई भी, दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग करके लिख सकते हैं। इसका भी अभ्यास करते रहिए बच्चों। आइए बच्चों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह भी व्याकरण से संबंधित है, संयुक्त व्यंजन का प्रश्न है बच्चों। क्ष त्र ज्ञ श्र ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्त मतलब जो दो अक्षर जोड़कर बने हों। क और श मिलकर बनता है क्ष, त और र मिलकर बनता है त्र, ज और य मिलकर बनता है ज्ञ, श और र मिलकर बनता है श्र। ऐसे कोई भी पांच शब्द लिखें जिनमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया हो। पहला दिखा है आपके लिए पत्र, अगला होगा ज्ञान, ज्ञ से ज्ञान बनेगा बच्चों, श्र से श्रम लिखेंगे, क्ष से लक्ष्य लिखेंगे और अंतिम त्र से नेत्र लिखेंगे। इनका भी आप लिखने का अभ्यास कीजिए। इनके अतिरिक्त और भी कुछ शब्द सोचिए बच्चों और अभ्यास कीजिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ पांच यहाँ पर अध्ययन समाप्त होता है। हमने आज के इस सेशन में पाठ से संबंधित सभी अभ्यास कार्यों को पूरा किया है। बच्चों अब आपको इस पाठ का पठन का अभ्यास करना है और साथ ही पाठ में आए हुए कठिन शब्द, शब्दार्थ और अन्य प्रश्न उत्तर, जो कि खाली स्थान, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए और व्याकरण से संबंधित हैं, उन सभी का आपको घर पर अभ्यास करना है। लिखने का भी प्रैक्टिस करना है बच्चों। चलिए अभ्यास करते रहिए। अपने अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।